अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तमजीद, बोलता तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। जब औलाद पैदा होती है तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी खुशियों को ताक पर रखकर अपनी तजुरिया भरने पर तवज्जो देते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल फर्नांडिस पर। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट बोलता तेलंगाना पर। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट मार और डिलीवरी के बाद भी बच्चे की ब्रीथिंग प्रॉब्लम बताकर डॉक्टर माँ बाप से लाखों रुपया ले रहे हैं। आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे के माँ बाप को डराकर डिलीवरी के टाइम पर बच्चे के लंग्स में पानी है, ब्रीथिंग जैसे प्रॉब्लम्स लेकर या कोई और वजह से उनको आईसीयू में या फिर मासूम को वेंटिलेटर लगाकर लाखों रुपए की लूट मचाई हुई है और हुकूमत खामोश है। इस पर कोई लगाम लगाने वाला भी नहीं है। आज एक मासूम भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। जहां पर माँ का रो रो कर बुरा हाल है तो बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसा ही वाकया पेश आया है शहर हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल फर्नांडिस पे, जहां फूल जैसी एक मासूम बच्ची पैदा तो हुई लेकिन डॉक्टर की नाहेली की वजह से मासूम की नाक का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसकी नाक ही निकालनी पड़ी। उस मासूम के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि इनको इंसाफ दिलाएं और उस मासूम बच्ची का बेहतर से बेहतर इलाज हो और प्राइवेट हॉस्पिटल पर लगाम लगाई जाए। सुनिए उस मासूम बच्ची की माँ की फरियाद। फर्नांडिस हॉस्पिटल में आई 7 जून को, 8 जून को मेरा बेबी हुआ। बच्चा जब पैदा हुआ उसकी नाक बहुत अच्छी थी, एक दिन एक घंटे के बाद में बच्चे की नाक पूरी डैमेज कर दी। डैमेज करने के बाद अच्छी हो जाती नोज बोल के बोले, फिर अचानक बच्चे की नाक का टुकड़ा निकल गया। फिर सर्जरी करते बोले, फिर सर्जरी 14 साल के बाद करते, 15 साल के बाद करते। अभी 2 साल तक ग्रोथ होती बेबी की बोल रहे। फर्नांडिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ बच्चे का, नोज पूरे डैमेज कर दिए। ठीक करते बल्कि कर रहे ही नहीं। बेबी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही, ड्रॉप डाल रहे नाक में। मेरे को बस इंसाफ होना मेरे बच्चे के वास्ते। असदुद्दीन सर, KCR सर, हरीश राव सर और शहबाज भाई से इंसाफ होना, शहबाज अहमद खान भाई से इंसाफ होना। बच्चे के लिए आप लोग कुछ करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बच्चे का फादर हूँ। जो मेरे से ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे बच्चे का कुछ भी अच्छा कर लीजिए आप लोग। और ये हॉस्पिटल वाले जितना गलत हरकत करें उन लोगों के ऊपर इमीडिएटली एक्शन लीजिए। मेरे को सपोर्ट अभी फ़िलहाल तो जो है ना शहबाज अहमद खान का सपोर्ट बहुत है मेरे को, और हरीश राव सर, KCR साहब, असदुद्दीन अवैसी सर, इन सबका भी मेरे को प्लीज़ सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अब आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ शहबाज भाई की बदौलत है, शहबाज भाई की हेल्प की बदौलत है। ये शुक्रिया शहबाज भाई।